अल्लाह स्टूडेंट्स इस सेशन में हम बात करेंगे कि कैसे आइडियाज़ जो हैं वो अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट होते हैं या इम्प्लीमेंटेबल कैसे बनते हैं द की टर्म इज़ इनोवेशन इट इज़ थ्रू इनोवेशन के आइडियाज़ जो हैं वो इम्प्लीमेंट होते हैं और अपॉर्चुनिटी में ट्रांसलेट होते हैं इनोवेशन पर बात करते हुए हमें एक बिल्कुल आइडेंटिकल टर्म क्रिएटिविटी के बारे में भी बात करने की ज़रूरत है यूजली हम सोशल एंटरप्रेन्योर्स के बारे में इनोवेटिव और क्रिएटिव होने का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं और बाज़ुकात ये दोनों लफ्ज़ जो हैं उन्हें इंटरचेंजेबली यूज़ करते हैं लेकिन दोनों में फ़र्क है और आइडियाज़ को अपॉर्चुनिटी में ट्रांसलेट करने के लिए इनोवेशन का रोल जो है वो बहुत अहम है अगरचे क्रिएटिविटी की बात होती है लेकिन दोनों में जो फ़र्क है वो आपको समझ आ जाए अगर तो आप नोट करेंगे कि इट्स बेसिकली इनोवेशन एंड नॉट क्रिएटिविटी क्रिएटिविटी जो है उसका बुनियादी तौर पे इट्स इन्वेंशन समथिंग न्यू कुछ नया करना जो इन्वेंशन या क्रिएटिविटी है ये नेचुरल हो सकती है बॉर्न हो सकती है लोगों के अंदर इनहेरेंट हो सकती है अमूमन आर्टिस्ट के लिए हम टर्म यूज़ करते हैं क्रिएटिव होने की या फिर साइंटिस्ट होते हैं जो इन्वेंशंस करते हैं लेकिन दैट टेक्स यर्स साल हर साल वो तजर्बात करते हैं और उसके नतीजे में वो कोई नई चीज़ जो है वो इन्वेंट करते हैं दैट इज़ क्रिएटिविटी इनोवेशन जो है वो किसी एग्जिस्टिंग आइडिया या किसी एग्जिस्टिंग फिनोमेना या किसी एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट को किसी नए तरीके से इस्तेमाल करने का नाम है इट्स बेसिकली इनोवेशन कि कैसे आप चीज़ मौजूद है उसके लिए आपको कुछ नया लाने की ज़रूरत नहीं है कुछ क्रिएट नहीं करना कुछ इन्वेंट नहीं करना बल्कि जो ऑलरेडी क्रिएटेड या इन्वेंटेड है उसको इम्प्लीमेंट किस तरह करना है नए तरीके से कि वो मुख्तलफ़ लगे और उसका सोशल म्पेक्ट हो लोगों के ऊपर सोशल के केस में और वो लोगों की जिंदगियों में वैल्यू ऐड करे तो ये फ़र्क जो है अगर आप समझ लें तो अब आप कह सकते हैं कि सोशल एंटरप्रेन्योर्स जो होते हैं वो सोशल इन्वेंटर नहीं होते वो सोशल इनोवेटर ज़रूर होते हैं क्योंकि वो कुछ ना कुछ ऐसा करते हैं जो लोगों की जिंदगियों में वैल्यू ऐड करता है उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ जो है उसको बेहतर बनाता है पिछले किसी मॉड्यूल में हम इस बात पर बात कर चुके हैं कि सोशल एंटरप्रेन्योरशिप में इनोवेशन कितनी किस्मों की होती है और किस तरह से होती है लेकिन यहाँ पर मैं उसको रिविज़िट करूँगी ताकि अगले मॉड्यूल में हम उसे सोशल चेंज के साथ कनेक्ट कर सकें आपको रिफ्रेश करने के लिए आपकी मेमोरी। सोशल एंटरप्रेन्योरशिप में इनोवेशन जो है वो या तो किसी प्रोडक्ट या सर्विस को नए तरीके से इंट्रोड्यूस कराना होता है या फिर उसको जो रॉ मटेरियल उसमें यूज़ होता है या जो उसमें रिसोर्स इस्तेमाल होते हैं वो नए हो सकते हैं सोशल एंटरप्रेन्योरशिप में मार्केट्स जो हैं या तो अंडर सर्व या फिर नई मार्केट्स को ढूंढना जो है वो इनोवेशन हो सकती है सोशल एंटरप्रेन्योरशिप में इनोवेशन जो है वो इंफॉर्मेशन के हवाले से हो सकती है कि कैसे किसी प्रोडक्ट या सर्विस या प्रोग्राम के बारे में इंफॉर्मेशन जो है उसको फैलाया जाए सोशल एंटरप्रेन्योरशिप में जो सोशल इनोवेशन है वो लोगों को अवेयर करने के हवाले से उनको एक्सेस करने के हवाले से हो सकती है कि कैसे किसी नई प्रोडक्ट सर्विस या सोशल जो सर्विस है या प्रोडक्ट है उसको लोगों तक पहुंचाने के लिए लोगों के लिए उसको एक्सेप्टेबल बनाने के लिए क्या किया जाए कुछ नई चीज़ें की जाए इसी तरह किसी प्रोडक्ट या सर्विस के प्रोडक्शन में उसको फैलाने में लेबर का इस्तेमाल जो है अगर वो इनोवेटिव तरीके से किया जाए तो उसको इनोवेशन गिना जाता है सोशल एंटरप्रेन्योरशिप के अंदर और लास्ट बट नॉट लीस्ट सोशल एंटरप्रेन्योर्स कोई नया ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर इंट्रोड्यूस करा सकते हैं क्योंकि एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर बाज़ सर्विसेज या प्रोडक्ट्स को लोगों तक पहुंचाने में उनकी ज़िंदगियों में एक सोशल इम्पेक्ट करने में या वैल्यू ऐड करने में चूँकि नाकाम होते हैं बल्कि बाज़ूक रुकावट बनते हैं तो इसलिए सोशल एंटरप्रेन्योर्स जो हैं वो नए स्ट्रक्चर्स इंट्रोड्यूस कराते हैं इसकी एक बड़ी एग्जांपल ग्रामीण बैंक के तौर पर हम दे सकते हैं जिसको मैं अक्सर कोट करती हूँ कि कैसे बैंक सदियों से मौजूद हैं और लोग उनसे सर्विसेज ले रहे हैं लेकिन ग्रामीण बैंक ने वो जो बैंक का कॉन्सेप्ट था कि वो गारंटी लेके लोगों को कर्ज देते हैं उसको टोटली totally चेंज कर दिया कि लोग जो हैं जिनके पास कोई ही नहीं है वो कैसे बैंक को एक्सेस करें उनके पास क्या गारंटी है उनका अपना और उनके साथी जो उस कम्युनिटी के मेंबर्स हैं वो गारंटी के तौर पर सर्व करते हैं और इस तरह से बैंकिंग जो है उसके बाकी रूल्स उसी तरह अप्लाई होते हैं लेकिन ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर चेंज हो जाता है तो ये वो सोशल इनोवेशन्स हैं जो सोशल एंटरप्रेन्योरशिप के हवाले से हम जिन पर काउंट करते हैं लेकिन इनसे किस तरह से सोशल चेंज आती है ये हम नेक्स्ट मॉड्यूल में डिस्कस करेंगे थैंक यू